प्रथमे मो माछ को भलो भाबरे धोई देछि सेतिरे गोटे चम्मच हल्दी पाउडर दुई चम्मच लुण पके भलो भाबरे गोळेई देछि गोळेई देला परे मो 15 मिनिट रेस्ट करबा को छाडी देछि माछ सब परे आमे करे गरम करी सेथिरे तेल को पकाई तेलटा भलो भाबरे गरम हेबा परे तेल टी धूआ टाइप आसीगला परे मैरिनेट कर रखी माछ को पकाई देबा माछ को भलरे एपट सेपट करी भलो भाबरे भाजिबा माछ को भाजला बेले केयरफुली माछ को भाजिबा नहले तेल छिटका आम ऊपर को आसी पड़ जाय पारे भलो भाबरे क्रिस्पी टाइप रो भाजिबे नहले तरकारी बड़े माछ सब भांगी जाय पारे तेल गरम करिबा सेथिरे किछि गोटा जीरा पकेबा और दीटा तेजपत्र पके आगर पियाज अदा रसुण सब को पेस्ट कर रखी पेस्ट सब को पकईदे मिक्स करदे जो 6 मिनिट जाए मसला सब को कषापी छाड़ीद शुखला मसला को पकईवा 2 चम्मच लंका पाउडर 2 चम्मच काश्मीर लंका पाउडर पकईद ऊपर आम काटिक रखि 2टा मीडियम साइज रो टमाटो को पकईद सफ्ट है पर्यटन ताको आम छाड़ीद कषापी टमाटो ए सब भल भाव सफ्ट हो जाए आम कि पा पकईद आगर मु सोरस गोटा सोरस को भल भाव ग्राइंडिंग करी से ऐड करूँ चम्मच सोरस बटा मु पकाउँछि सब 3-4 मिनिट पर्यंत जाए कषापी छाड़देवि पीस मसला पकेबा 2 चम्मच हमें गोटे चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर करदे पे हमें रखी सीझा आलू को पकईद आलू भल भाव कषिगला से आम 1 ग्लास पानी ऐड कर करदे ग्रेवी पे आपण मैंने ग्रेवी चाहिए भी अधिका पानी ऐड करें मुझे गोटे ग्लास पानी अधिका नौ आपण मैंने चाहिए भी 1 कप पानी नहीं पारे कि असुविधा नहीं फुटिगला से गोटे चम्मच जीरा पाउडर पकईदेवि भाजिक रखी माछ को एबे पकेबा मुझे अधिका टिके पानी दे चाहिए भी कम पानी ऐड करी पारी तरकारी रे एबे हमें 1/2 चम्मच डालचीन पाउडर पकई दबा 8-10 मिनिट आम भल भाव फुटापी लो फ्लेम रे छाड़ी दबा माछ तरकारी एबे रेडी आपण मैंने थरे घरे बनातु सोरस दिए माछ तरकारी केमिति लगे माछ तरकारी केमिति लगला आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जणेबी।